फ्रेंड्स, वेलकम टू आर आई क्लास। मैं टेंस सीरीज चला रहा था जिसमें आप लोगों को मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस पढ़ा दिए थे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर। किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करना या थिंकिंग करना फ्यूचर के बारे में, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे सबसे पहले हिंदी की पहचान देख लें। हिंदी पहचान होगी गा, गी, गे। फ्यूचर टेंस में हिंदी पहचान के लिए गा, गी का यूज़ होता है। ये इसकी पहचान होती है। और मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शेयर। बुक में हम लोगों के रूल लिखा है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब यू दे आई ही शी इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ अनकॉमन है, मतलब इसमें नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसके सेंटेंस, जैसे मैंने सेंटेंस मेकिंग के सेंटेंस पहले बना चुके थे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल सोचने से पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और इस सब सेंटेंस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित काल। अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा मैं कल पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाऊंगा फ्यूचर के बारे में बता दिया, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि मैं कल कितने बजे पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर की बात करने के लिए इसमें प्रयोग होता है, फ्यूचर प्लान के लिए यूज होता है। अब फ्यूचर प्लान क्या होता है, मान लो उसमें यूज होता है टुमारो का। ठीक है, मैं कल मिलूंगा, या नेक्स्ट वीक में कोई अपना वर्क करना है मुझे, या फाइव ईयर्स लेटर वर्क करना है अपना। मतलब अगर 2 मिनट बाद भी हम लोग कुछ सोचना है तो वो फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। अपने भविष्य के बारे में सोचना, अगर 2 मिनट बाद भी हम क्या करेंगे तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका, जैसे मैं कल यहाँ आऊंगा, ठीक है, तो पहचान हिंदी में देख लें गा गी गे, तो वैसे भी बन जाएगा। और नॉर्मल सोचें कि आगे हम कल की बात कर रहे हैं, कल आऊंगा, आपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया है कि कब आऊंगा, कितने बजे आऊंगा, बस कल आऊंगा, तो इसका मतलब इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल। तो आई सब्जेक्ट हो गया अपना, आई के साथ क्या आएगा, विल, आई विल कम, यहाँ की हेयर ऑब्जेक्ट, आई विल कम हेयर। नेक्स्ट है मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब मैं तुमसे कल मिलूंगा यानी कि फ्यूचर के बारे में उसने कल मिलूंगा, इसमें बनेगा आई विल। मिलने की वर्ब, की वर्ब क्या आती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई विल मीट यू, आई विल मीट यू टुमारो। मॉडर्न इंग्लिश में शेयर का यूज होता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं होता है। तो सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल करेंगे। तो सब्जेक्ट होंगे क्या, आई हो, वी हो, यू, शी, ही, दे, या एनी सिंगुलर नेम, वॉट एवर, कुछ भी हो। तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, रीड। कुछ भी हो उसके साथ विल का यूज़ हम लोग करेंगे। सबसे मेन बात यह है आई वी यू शी
ही दे के साथ विल का यूज़ करेंगे। और शैल का यूज़ कहाँ करते हैं और कब करते हैं तो उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग ये रूल देखते हैं। तो अफर्मेटिव में हो गया है, अफर्मेटिव यही हो गए हैं, वह यहाँ आएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वह खेलेगा, जैसे मैंने, या एक अफर्मेटिव पॉजिटिव थिंकिंग में ये भी आता है, हम लोग कोई फ्यूचर प्लान करें या फ्यूचर थिंकिंग करें, जैसे कि इंडिया मैच जीतेगी, क्या इंडिया मैच जीतेगा, तो इंडिया विल विन द मैच। तो फ्यूचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि किसी भी बात को प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना कि इंडिया मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच, ये भी फ्यूचर टेंस में आएगा, इंडिया विल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव का रूल ये होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सेम जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बनाए हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए सेम इसमें नहीं आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का यूज़ होगा। तो फ्यूचर जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, अब मैं बताऊंगा आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमारा होता है विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये सब वर्ड से, जो वाक क्या से शुरू हो वो फर्स्ट टाइप आता है। और सेकेंड टाइप में होगा अपना, सेकेंड टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट हो। फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जो, और हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हैं इसकी विल या शैल होगी, ठीक है बेटा। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, जैसा कि अफर्मेटिव में रूल था सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस उसमें विल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव। और फर्स्ट टाइप का नेगेटिव हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, जबकि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड टाइप में देखिए, सेकेंड टाइप में रूल यही रहेगा, बस अफर्मेटिव में जो होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। जैसे क्या वह यहाँ आएगा, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का एग्जांपल है क्या वह यहाँ आएगा, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश नहीं बनाते बल्कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे इसमें। तो इस रूल को देखते हुए विल, वह मतलब सब्जेक्ट, ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आना, कम, और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, हेयर, और साथ में क्वेश्चन मार्क इसके लग जाएगा, विल ही कम हेयर, क्या वह यहाँ आएगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना है हम लोगों को तो उसके बाद क्या वह यहाँ नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे विल ही नॉट कम हेयर। अब सेकंड टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बीच में क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये शब्द आए बीच में, तो वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, जैसे वह घर कब जाएगा, क्वेश्चन मार्क साथ में,
तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड जो इन द मिडल ऑफ सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ब होता है वाक्य के बीच में उसकी इंग्लिश बनाते हैं व्हेन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बन गया, उसके बाद विल, व्हेन विल ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, जाना, व्हेन विल ही गो, टू होम, क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल ही गो टू होम, वह घर कब जाएगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे व्हेन विल ही नॉट गो होम, क्वेश्चन मार्क, बंद कर दो। अगर सेंटेंस में आ जाए कभी, तो कभी के लिए सेंटेंस में एवर का यूज करेंगे और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं सेंटेंस, कभी नहीं के लिए नेवर, जैसे सेंटेंस है क्या वह यहाँ कभी आएगा, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले विल से बनेगा, विल ही एवर, कभी है ना, तो यहाँ क्या आएगा एवर, विल ही एवर, कभी के लिए क्या आएगा बच्चों एवर, विल ही एवर कम हेयर, क्वेश्चन मार्क, तो विल ही नेवर कम हेयर, नेवर का बेटा कभी नहीं के लिए आएगा, जैसे पहले एवर का कहेंगे, क्या कहेंगे एवर का, विल ही एवर कम हेयर, जैसे नेवर का तुमने कहा है बेटा, तो नेवर में क्या होगा, क्या वह तुम्हारे साथ, जैसे मान लो कह दें हम क्या वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा, क्या वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा, तो कभी नहीं के लिए क्या बताया अभी मैंने नेवर, नेवर, तो उसमें क्या होगा विल ही नेवर, विल ही नेवर कभी नहीं गो, कट हो रहा, क्या बनेगा इसका विल ही, तो क्या वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा, तो कभी नहीं के लिए क्या क्या बताया मैंने नेवर, तो विल ही नेवर गो तुम्हारे साथ की क्या होगी विथ यू, और साथ में क्या लगाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है समझ गए, इसको नोट करें, जैसे तुम्हारी तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है हु होती है, तो हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है, इसका नेगेटिव बनाना हो तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा तो हु विल नॉट हेल्प यू, तो सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस वो पढ़ना होगा, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सो थैंक यू।